हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के अंदर यूनिट नंबर 2 वन शॉट। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा फटाफट से वो सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, प्लस आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हर एक चीज नहीं कवर होगी, हर एक पार्ट सिलेबस का आपका नहीं कवर होगा, सिर्फ वही चीज कवर कराऊंगा मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, जिसमें कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है हमारा, इट इज यूज टू प्रेडिक्ट अ कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो, रिग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है कि ये किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट या फिर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। रिग्रेशन का काम यही होता है। अब लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दो अप्रोचेस हैं जो रिग्रेशन मॉडलिंग में यूज होती हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन का काम होता है सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। सिंपल, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 एंड एक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे इक्वेशन की बात होगी, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन का काम क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल होता है जो एज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी कि वाई जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके, और x1 x2 अप टू xn जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, उसको डिफाइन करने का, उसको एज्यूम करने का काम कौन करता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। बेसिकली दो तरीके के होते हैं लीनियर रिग्रेशन हमारे पास, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सिंपल लीनियर में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन होती है लीनियर रिग्रेशन की, y is equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 up to beta n xn plus epsilon। अब epsilon यहां पे क्यों लिखा गया, epsilon डिनोट करता है एरर टर्म को, ठीक है। मतलब ओवरऑल इक्वेशन में अगर कोई एरर टर्म ऐड हो रहा है तो वो epsilon से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। जहां पे y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, b नॉट इज द इंटरसेप्ट, बी नॉट जो है हमारा वो इंटरसेप्ट है, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अप टू बीटा एन आर द कोफिशियंट फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो x1 x2 xn ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y की कुछ भी वैल्यू हो x1 पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट x1 या x2 या xn की वैल्यू अगर हम चेंज कर देंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इस वजह से y क्या है, डिपेंड है इन सब पे, इसलिए ये डिपेंडेंट और ये सब इंडिपेंडेंट, ठीक है। बाकी बीटा बीटा नॉट क्या है हमारा, बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, बीटा 1 2 3 अप टू n क्या है हमारे, कोफिशियंट्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, ठीक है। सेम उसी तरीके से x1 x2 अप टू xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, epsilon इज द एरर टर्म, ठीक है। सो ये बेसिक सी इक्वेशन है जो लीनियर रिग्रेशन की है, इसको आपको याद रखना है, सिंपल सी इक्वेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की जाए तो इट इज यूज टू प्रेडिक्ट अ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द आउटकम इज टिपिकली 0 और 1। देखो सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम होता है कि ये जो कुछ भी रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है ये आइदर ट्रू फॉर्म में प्रिडिक्ट करेगा या फिर कंप्लीटली फॉल्स। मतलब कि जो एक फजी के अंदर आप लोगों ने देखा था ना कि डिग्री ऑफ राइटियसनेस आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ मेंबरशिप शो हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे डिग्री वाला काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि पार्शियली डिपेंडेंट है, ठीक है, या पार्शियली इंडिपेंडेंट है, स्लाइटली डिपेंडेंट है, स्लाइटली इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीजें नहीं डिफाइन करता, या तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है या तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, बस दो ही चीजें बताता है, इसीलिए ये 0 या 1 के फॉर्म में ही आउटकम्स जनरली देता है, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ये बताता है कि किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ प्रॉपरली कंप्लीटली बिलोंग करता है, ठीक है। कंप्लीटली बिलोंग करता है तो 1, अगर बिल्कुल बिलोंग नहीं करता तो 0, बस बीच का कोई गैप इसमें नहीं है कि हाँ 0.5 यानी पार्शियली भी बिलोंग कर रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है, लॉजिकल बात होती है यहाँ पे। सो इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे लिखी हुई है पी वाई इज इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस, और इसके बाद ऊपर लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन, ठीक है। सो क्या मतलब है इस इक्वेशन का, वेयर पी वाई इज इक्वल्स टू 1/x, जो ये वाला टर्म है हमारा, ये क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द आउटकम इज 1 फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी है कि एक्स की चाहे जो वैल्यू रखी जाए, ठीक है, एक्स की चाहे जो वैल्यू रखी जाए आउटकम उस केस में 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताता है टर्म, ठीक है।
बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट, अगेन बीटा नॉट क्या है हमारा इंटरसेप्ट है, बीटा वन टू अप टू बीटा एन आर द कोफिशियंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एक्स वन से एक्स एन तक हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, सिंपल समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर्मूला देख लो, बेस थ्योरम बेसिकली होती क्या है समझ लो, इसके अलावा बेस थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे अगर एग्जाम में आए तो, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली तो दो नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, बाकी डेप्थ में एकदम मतलब बेस थ्योरम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बेस थ्योरम में सिंपल आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा अगर देना होगा तो वो एक न्यूमेरिकल डाल देंगे, उस न्यूमेरिकल को आपको वैल्यूज गिवन होंगी, बस इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल कोई पीवाईक्यू में आया होगा तो मैं करवा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अभी बेस थ्योरम देख लो कि होता क्या है। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो प्रोबेबिलिटी की जितनी भी थ्योरी है हमारी, ठीक है, जितना भी स्टैटिस्टिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी के लिए, उन सबका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारा बेस थ्योरम। इट डिस्क्राइब्स हाउ टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन न्यू एविडेंसेस, ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को अपडेट किया जाता है नए नए एविडेंसेस की हेल्प से, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे एविडेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं, एविडेंस हमको मिलते जाते हैं, वैसे वैसे हम प्रोबेबिलिटी को अपडेट करते जाएंगे, ये कैसे होता है बेस थ्योरम की हेल्प से होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसमें, पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन ए डॉट पी पी ए अपॉन पी बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, मतलब ए इन टर्म्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए डॉट probability of A upon probability of B। अब इसका मतलब क्या है, हर एक टर्म का स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है, पी ए बाई बी इट इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर, ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि जो हमारा A है उसके अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर B इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो, ठीक है, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होता है। सेकंड आता है हमारा पी बी अपॉन ए, इट इज लाइकहुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड, अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, पी बी अपॉन ए का मतलब इवेंट ए यहां पे हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और इवेंट बी के घटने की या इवेंट बी के होने की क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या लाइकलीहुड है, ये बताता है, ठीक है। पी ए क्या है, इट इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी, द इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, मतलब इवेंट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी प्रायरली वो डिफाइन करता है, और पी बी इसी तरीके से इवेंट बी के होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी वो डिफाइन करता है, ठीक है, सिंपल टर्म्स हैं, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेस थ्योरम का बेसिक सा डेफिनेशन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा नेव बायस क्लासिफायर, ठीक है, तो इसमें हमको टाइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, किस तरीके से काम होता है वो चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। सो नेव बायस क्लासिफायर होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। सो इट इज द प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, मतलब कि ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक मशीन लर्निंग का मॉडल होता है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसका नाम है क्लासिफायर, याद रखना इसका यूज किस लिए किया जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम एंड इज पार्टिकुलरली सुटेड फॉर लार्ज डेटा सेट, ये बेस थ्योरम के बेसिस पे काम करता है, ठीक है, क्योंकि नेव बायस क्लासिफायर है तो सीधी सी बात है बेस थ्योरम पे काम करता है, क्लासिफिकेशन का काम करता है, ठीक है, और बड़े डेटा सेट के लिए काम करता है, ठीक। टाइप्स की बात करी जाए तो तीन बेसिक टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मल्टीनोमियल नेव बायस, ठीक है, बर्नौली नेव बायस, गॉसियन नेव बायस, ठीक है, यहाँ पे बायस की स्पेलिंग गलत है, मैंने बायस लिखा हुआ है, ओके, सो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो करेक्ट स्पेलिंग लिखना, ठीक है, नेव बायस क्लासिफायर है ये। टाइप्स है मल्टीनोमियल नेव बायस, मल्टीनोमियल क्या होता है, यूज फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, इसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, एज्यूम्स द फीचर फॉलो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एज्यूम करके चलता है कि जो भी फीचर्स हैं वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, ठीक है। बर्नौली नेव बायस क्या होता है, सूटेबल फॉर बाइनरी बूलियन फीचर, ये हमारा बाइनरी बूलियन फीचर्स पे काम करता है, यानी 0-1 के बेसिस पे, ठीक है, यूज्ड व्हेन फीचर्स आर बाइनरी, इसका यूज तभी होता है जब हमारे फीचर्स जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं, यानी कि 0-1 फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गॉसियन नेव बायस, यूज्ड व्हेन द फीचर्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हमारे फीचर्स कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, सो उस केस में गॉसियन नेव बायस का यूज होता है। कॉमनली अप्लाइड टू कॉन्टिन्यूअस डेटा, जहां पे डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस हो वहां पे अप्लाई किया जाता है गॉसियन नेव बायस, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, कंसीडर सिंपल स्पैम ईमेल क्लासिफायर यूजिंग बर्नौली नेव बायस, अब देखो यहां पे बाइनरी बुलियन फीचर का यूज हो रहा है, ठीक है, सो बाइनरी बुलियन का मतलब है या तो बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा, आइदर 0 आइदर 1, ठीक है, समझ गया, सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो 0-1 का मतलब क्या है, ये ऐसी सिचुएशंस में यूज होगा इसका जहां पे हमारा क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे हो, ठीक है, वहां पे अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफिकेशन ना हो, आइदर
कोई चीज बिलोंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसी वजह से स्पैम ईमेल क्लासिफायर में इसका यूज होता है, स्पैम ईमेल क्लासिफायर में इसका यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईमेल या तो स्पैम होगा या तो स्पैम नहीं होगा, कोई तीसरी कैटेगरी वहां पे नहीं एग्जिस्ट करने वाली, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में वहां पे आउटकम निकालना है, इस वजह से हम लोग बर्कोली नेव बायस का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, ट्रेनिंग डेटा, ईमेल्स लेबल्ड एज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा क्या है हमारा, कि ईमेल आ गए जिनमें लेबल है कि स्पैम है कौन सा नॉट स्पैम है। फीचर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स, अब कैसे मॉडल हमारा एनालाइज करेगा कि कौन से में लेबल्ड है, तो क्या ऐसी फीचर्स हैं कि हम उससे पता कर सकें कि लेबल्ड और अनलेबल्ड में, मतलब लेबल्ड जो हमारे स्पैम है और जो लेबल्ड हमारे नॉन स्पैम है उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो फीचर्स के बेसिस पे पता चलेगा डिफरेंस, ठीक है। कैसे फीचर्स, फीचर्स ऐसे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक तरीका होगा लिखने का जो उसमें प्रेजेंट होगा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे जो स्पैम वाले में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उनको कैटेगराइज करना, वही फीचर होंगे, ठीक है। अब ट्रेनिंग डेटा मिला, वहां से फीचर मिल गए, फिर क्या करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। एक बार ट्रेनिंग डेटा मिल गया, फीचर निकाल लिया, अब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम, अब क्या करना है, स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी और स्पैम ना होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड आई स्पैम एंड वर्ड आई नॉट स्पैम फॉर ईच वर्ड वर्ड आई, मतलब देखो इस लाइन का मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है, पी ए इवेंट ए जो अकर होने वाला है, इवेंट बी जो अकर हो चुका है, ठीक है। तो स्पैम होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे जो पर्टिकुलर वर्ड हम चेक कर रहे हैं, क्या वो पर्टिकुलर वर्ड स्पैम वाले कैटेगरी में आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक, क्या वो पर्टिकुलर वर्ड नॉट स्पैम की कैटेगरी में आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे हर एक वर्ड के लिए ओवरऑल ईमेल के अंदर, ठीक है। जितने भी वर्ड डिफाइन है हर एक वर्ड के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेनिंग फेज हो गया, ठीक है। फिर प्रेडिक्शन, फॉर अ न्यू ईमेल कंप्यूट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर स्पैम एंड नॉट स्पैम, असाइन द क्लास विद द हायर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अब जो भी नया ईमेल आएगा उसके लिए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यही होती है हमारी, ठीक है, अगेन सारे वर्ड्स को चेक किया जाएगा और कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या ये स्पैम है या फिर ये स्पैम नहीं है। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन यहाँ पे होता है कि मतलब स्पैम है या नहीं, उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया हमने चीजों को, ठीक। अब अगर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हमारे फाइनल आउटकम में प्रोबेबिलिटी स्पैम की ज्यादा हाई है तो इसका मतलब उसको स्पैम वाली क्लास में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी नॉट स्पैम वाले की ज्यादा हाई है तो उसको नॉन स्पैम वाली कैटेगरी में भेज दिया जाएगा ईमेल को, ठीक है। समझ आ गया, सिंपल सा था, इजी सा था, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। इट इज अ फंडामेंटल टास्क इन मशीन लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स इन्फरिंग अ जनरल रूल और कॉन्सेप्ट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड एग्जांपल्स। इसका मतलब क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर कॉन्सेप्ट लर्निंग एक ऐसा टास्क होता है जिसके अंदर कुछ ऑब्जर्व्ड एग्जांपल, यानी कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनको ऑलरेडी हमारा मॉडल ऑब्जर्व कर चुका है, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो कुछ रूल्स डिफाइन करता है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग या उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग वो लर्निंग को अपनी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाय विच अ लर्नर आइडेंटिफाइज एंड कैटेगराइजेस ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लर्नर क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करता है और उनको आइडेंटिफाई करता है, इवन वो ऑब्जेक्ट्स हों, इवेंट्स हों, इंस्टेंस बेस्ड हों या फिर मतलब उनके फीचर्स बेस्ड इंस्टेंसेस हों, जिससे कि अलाउिंग देम टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट अनसीन एग्जांपल, जिससे कि वो आगे जो अनसीन एग्जांपल्स आने वाले हैं उनके लिए वो प्रॉपर प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मॉडल बनाया, ठीक है, अब वो मॉडल को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ऑब्जर्व करवाई चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्पीकर लिया, ठीक है, स्पीकर उसके सामने रखा, मैंने उसको कहा देखो ये स्पीकर होता है, इससे म्यूजिक आता है, इसमें इस तरीके का पैरामीटर्स होता है, इसके फीचर्स देख लो कैसा ये दिखता है, क्या शेप है, किस तरीके से इसकी वर्किंग है। अब मैंने उसको एक स्पीकर के बारे में बता दिया। सो अब हुआ क्या, उसने उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, कुछ अपने स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डेवलप किए उसको समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद उस मॉडल को मैं ले गया किसी अच्छे शोरूम में जहाँ बहुत सारे स्पीकर्स मिलते हैं या फिर बहुत सारे गैजेट्स मिलते हैं, वहां पे वो स्पीकर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है इजिली अगर
अगर उसने प्रॉपर कॉन्सेप्ट लर्न किया हुआ है, उसको पता है कि किस तरीके के रूल्स चाहिए, किस तरीके के फीचर्स चाहिए एक स्पीकर बनने के लिए, एक स्पीकर बनाने के लिए, या फिर एक स्पीकर को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो उस केस में वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा किसी स्पीकर को। तो यही होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जहां पे हमारा मॉडल कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है किसी एक ऑब्जर्वेबल चीज के बेसिस पे, जिससे वो अनसीन डेटा को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक, सिंपल डेफिनेशन, आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन कॉन्सेप्ट लर्निंग। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 6 अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं, हर एक स्टेप का अपना एक यूटिलाइजेशन है। सबसे पहले आता है डिफाइन द हाइपोथेसिस स्पेस। हाइपोथेसिस स्पेस डिफाइन करना सबसे पहला काम। डिटरमाइन द पॉसिबल हाइपोथेसिस दैट कैन बी फॉर्म्ड गिवन द फीचर एंड टारगेट कॉन्सेप्ट। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल हाइपोथेसिस, मतलब कि जैसे कि हमने मॉडल को कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ उसको प्रोडक्ट दिखा दिया, ठीक है, उसको सारी चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो अभी वो क्या करेगा, पहले अपनी हाइपोथेसिस बनाएगा कि हाँ ये चीज ऐसा हो सकता है, एजम्पशंस क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर उन एजम्पशंस के बेसिस पे वो क्या करेगा, अपने रूल्स डिफाइन करेगा। जितना ज्यादा वो अलग अलग एग्जाम्पल्स को देखेगा, उतने ज्यादा उसके एजम्पशंस क्लियर होते जाएंगे, उसके रूल्स स्पेसिफिक होते जाएंगे, ठीक है, इंप्रूव होते जाएंगे, प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब एक बार हाइपोथेसिस स्पेस डिफाइन हो गया, मतलब कि पॉसिबल हाइपोथेसिस बता दी गई कि क्या बनानी है फीचर्स के बेसिस पे टारगेट कॉन्सेप्ट के लिए, उसके बाद में ट्रेनिंग एग्जांपल्स को कलेक्ट करना होता है। ट्रेनिंग एग्जांपल्स मतलब अब हमें मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है, एक बार हमको हाइपोथेसिस बना देनी, फिर हमको ट्रेन करना है मॉडल को। क्या करना है इसके अंदर, गैदर पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब अगर हमें उसे बताना है कि दिस इज अ पेन, ठीक है, हमने मॉडल को ये समझाना है कि एक पेन है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एग्जांपल में हम 10-15 अलग अलग तरीके के पेन लेंगे, ठीक है, और नेगेटिव एग्जांपल में हम 3-4 पेंसिल्स, ठीक है, और इस अगर ये स्पेसिफिक पेन डिफाइन करना है तो इसके अलावा जो दूसरे पेन आते हैं, ठीक है, जैसे बॉल पेन वगैरह आते हैं, तो उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के एग्जांपल्स हमें लेने हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक। एक बार हमने वो कर लिया, फिर इनिशियलाइज द लर्निंग एल्गोरिदम। अब क्या करना है, लर्निंग एल्गोरिदम को हमें इनिशियलाइज करना है, मतलब स्टार्ट विद एन इनिशियल हाइपोथेसिस, ऑफन द मोस्ट जनरल और द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। देखो एक क्वेश्चन और आता है 2 नंबर के अंदर एग्जाम के अंदर, कि हाउ वी गो फ्रॉम जनरल हाइपोथेसिस या स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली प्रोसेस्ड हाइपोथेसिस जो होती है आपकी, तो वो यही मेथड्स पे आता है, ठीक है। क्या होता है, इनिशियलाइज द लर्निंग एल्गोरिदम। सबसे पहले लर्निंग एल्गोरिदम इनिशियलाइज होती है किस बेसिस पे होती है, जो आपकी इनिशियल हाइपोथेसिस होगी, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट की हाइपोथेसिस है, क्या अजम्पशंस है इनिशियली, ठीक है, उनके बेसिस पे स्टार्ट होंगी हाइपोथेसिस डेवलप होना, ठीक है। अब क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक हाइपोथेसिस दी, फिर आपने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए मॉडल के लिए, ठीक है, अब मॉडल को आप चीजें बता रहे हो तो हाइपोथेसिस को वो इंप्रूव करता जाएगा। वही चीज मैंने पहली बार में भी बताई थी, वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस को ही अपने इंप्रूव करता जाएगा, जिससे वो फाइनल रूल्स को ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथेसिस इनिशियल आपकी इंप्लीमेंट होगी, फिर इटरेट थ्रू एग्जांपल्स, फॉर ईच एग्जांपल अपडेट द हाइपोथेसिस टू बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जर्व डेटा। वही चीज है, मतलब कि अब जैसे जैसे वो एग्जांपल्स को एनालाइज करता जाएगा, वैसे वैसे वो ऑब्जर्व डेटा के बेसिस पे हाइपोथेसिस को इंप्रूव करता जाएगा, अपडेट करता जाएगा, ठीक है। फिर जनरलाइज एंड स्पेशलाइज, एडजस्ट द हाइपोथेसिस टू बेटर फिट द डेटा, जनरलाइजिंग फ्रॉम पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड स्पेशलाइजिंग टू एक्सक्लूड नेगेटिव एग्जांपल्स। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का सिंपल सा काम ये है कि हाइपोथेसिस अब जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है, वैसे वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो मॉडल को लर्निंग के लिए, उस मॉडल पे भी बेस्ट फिट हो आपकी हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि आपने पेन का मॉडल दिया है लर्निंग के लिए, तो आप हाइपोथेसिस चार्जर की या मोबाइल फोन की नहीं दे सकते, ठीक है, हाइपोथेसिस आपको उसी अकॉर्डिंग बनानी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, जनरलाइजिंग फ्रॉम पॉजिटिव एग्जांपल, मतलब जो भी हाइपोथेसिस का अपडेशन हो वो पॉजिटिव एग्जांपल के बेसिस पे हो, और जितना भी स्पेशलाइजिंग हो, मतलब कि जो आपका बेसिकली मॉडल बनके प्रिपेयर होने वाला है, उस मॉडल के अंदर आपको क्या करना है, जो भी जैसे मैंने पेन यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, तो अब क्या होगा, मॉडल क्या करेगा, पेन जितने भी होंगे उनको जनरलाइज तरीके से वो समझेगा कि पेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या हाइपोथेसिस है, अपडेट करता जाएगा, ठीक। बट इसी की जगह अगर पेंसिल हमने शो करी, तो वो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए कि क्या चीज हमारे इस पर्टिकुलर लर्निंग के अंदर, रूल्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगी, किसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को इम्प्रूव नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव एग्जांपल्स को एक्सक्लूड करना आना चाहिए मॉडल को, ठीक है। तो यही होती है स्पेशलाइजिंग टू एक्सक्लूड नेगेटिव एग्जांपल्स।
इवेलुएट द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट स्टेप हमारा एक्सेस द लर्न्ड कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑन अ सेपरेट वैलिडेशन सेट टू एंश्योर इट जनरलाइजेस वेल टू न्यू डेटा. अब हमें क्या करना है, फाइनली जब हमने स्पेशलाइज्ड या जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस अटेन कर ली है, फिर हमें इवेलुएट करना है उस हाइपोथेसिस को. कैसे इवेलुएट करते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है. जो सेट हमने प्रोवाइड किया था ट्रेनिंग सेट, उसकी जगह पे हमको अब एक टेस्टिंग सेट ऑफ डेटा देना है, यानी कि नया सेट ऑफ डेटा देना है. मतलब कि अब मैं पेन चेंज कर दूंगा, अब मैं ये वाला पेन दूंगा, ठीक है, रेड पेन. अब मैं बोलूंगा कि भाई अब तुम प्रेडिक्ट करके बताओ ये पेन है या फिर पेंसिल है या फिर ये क्या है, ठीक है. तो अब अगर हाइपोथेसिस हमारी सही काम करी है, उसने फीचर्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट किया है और सही कॉन्सेप्ट लर्निंग का यूज किया है, तो उस केस में इजीली हमारा मॉडल बता पाएगा कि दिस इज अ पेन. और अगर हम कोई पेंसिल दिखाते हैं तो वो इजीली बता पाएगा दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है. पेंसिल के लिए हमने यहाँ पे ट्रेन नहीं किया तो वो ये शायद ना बता पाए कि ये पेंसिल है, बट वो ये जरूर बता देगा कि ये पेन तो नहीं है, ठीक है. तो समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट लर्निंग होती क्या है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. सो नेक्स्ट इज EM एल्गोरिदम. ये भी हमारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है. EM एल्गोरिदम क्या होती है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम, ठीक है. नाम याद रखना, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम. इट इज अ पावरफुल इटरेटिव मेथड यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू फाइंड मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स इन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. मतलब क्या है इसका, जो भी मशीन लर्निंग के अंदर हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं या प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स बनाते हैं, जिनको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कहा जाता है, उनके अंदर जो भी हम एजम्पशन के थ्रू डेटा ला रहे हैं या फिर जैसे कुछ वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, अब उन मिसिंग वैल्यूज के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं वैल्यूज, ठीक है. तो वो एज्यूम्ड वैल्यू कितना ज्यादा लाइकहुड होंगी, मतलब कितना ज्यादा एक्यूरेट, कितना ज्यादा ऑप्टिमल हो सकती हैं, ठीक है. उस चीज को, उस लाइकलीहुड को डिफाइन करने का, उसको मैक्सिमाइज करने का काम कौन करता है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम, ठीक. वापस से बताता हूं, ये एक ऐसा पावरफुल इटरेटिव मेथड है मशीन लर्निंग के अंदर जिसका यूज किया जाता है मैक्सिमम लाइकलीहुड फाइंड करने के लिए पैरामीटर्स के एस्टिमेशन में. मतलब कि अगर हम किसी मॉडल के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि एज्यूम कर रहे हैं, तो वो कितने ज़्यादा कंपैटिबल होंगे, कितने ज़्यादा लाइकलीहुड होंगे, मतलब कितने ज़्यादा सही रहेंगे उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए, उस चीज़ को, उस मतलब कि आप समझ रहे हो ना, उस लाइकलीहुड को मैक्सिमाइज करने का काम करता है ये मैक्सिमाइजेशन एक्सपेक्टेशन एल्गोरिथम, ठीक है. सॉरी, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम, ठीक है. मोस्टली एंड स्पेसिफिकली यूज फॉर मॉडल्स विद हिडन वेरिएबल्स और इनकम्प्लीट डेटा. ऐसे मॉडल्स के लिए ये एल्गोरिदम का यूज होता है जहां पे हिडन वेरिएबल्स होते हैं या फिर डेटा हमारा जो है वो इनकम्प्लीट होता है. सो नेक्स्ट इज मेजर कॉन्सेप्ट. अब इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट क्या क्या है, सबसे पहला मतलब दो ही कॉन्सेप्ट है मेजर इसके अंदर, एक्सपेक्टेशन स्टेप ई स्टेप और मैक्सिमाइजेशन स्टेप दैट इज एम स्टेप. सो वॉट इज ई स्टेप, ई स्टेप इज एक्सपेक्टेशन स्टेप, दैट मीन्स एक्सपेक्ट द मिसिंग डेटा बेस्ड ऑन द करंट पैरामीटर्स. मतलब ई स्टेप में क्या किया जाता है, जितना भी हमारा जो डेटा है मॉडल के लिए हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, अगर जो भी हमारा मिसिंग डेटा है उस मॉडल के लिए, ठीक है, उस मिसिंग डेटा को करंट पैरामीटर्स के बेसिस पे एज्यूम कर लेना, ठीक है, एक्सपेक्ट कर लेना, एज्यूम कर लेना, यही होता है एक्सपेक्टेशन स्टेप, ठीक. देन आता है मैक्सिमाइजेशन स्टेप, अपडेट द पैरामीटर्स टू बेटर फिट द डेटा इंक्लूडिंग द गेस्ट और एक्सपेक्टेड पार्ट. That is adjusting the expected data based on updated data. देखो यहाँ पे होता क्या है, maximization step के अंदर जो भी हमारे parameters होते हैं, ठीक है, उन parameters को update किया जाता है, ठीक है. अब देखो parameters के basis पे यहाँ पे missing data expect किया गया, ठीक है, अब उन parameters को update करा जाएगा और उन parameters को update करने के साथ साथ expected data को भी adjust किया जाएगा ताकि वो उन parameters को मीट कर सके, ठीक है. इसी को कहते हैं मैक्सिमाइजेशन स्टेप. सो एट द एंड जब हमारे पैरामीटर्स प्रॉपरली अपडेटेड हो जाएंगे प्लस हमारे जो एक्सपेक्टेड टर्म्स हैं, जो एक्सपेक्टेड डेटा है, वो भी उन पैरामीटर्स को मीट कर पाएगा, सो उसका मतलब होगा कि प्रॉपर कन्वर्जेंस हो गया, यानी प्रॉपर हमारे मॉडल के साथ वो डेटा कंपैटिबल हो चुका है, अब उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं, ठीक है. तो ये होता है एक्सपेक्टेशन और मिनिमाइजेशन स्टेप. वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, क्या होता है, स्टार्ट देन इनिशियल वैल्यूज फिर एक्सपेक्टेशन स्टेप मैक्सिमाइजेशन स्टेप, अगर कन्वर्ज हो गया तो स्टॉप कर देंगे, अगर कन्वर्ज नहीं हुआ तो फिर से एक्सपेक्टेशंस होगा, फिर मिनिमाइजेशन होगा, फिर चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे, तो ये लूप यहां पर रिकर्सिवली चलता जाएगा, कब तक, जब तक कि प्रॉपरली हमारा मॉडल कन्वर्ज नहीं हो जाता. इनिशियलाइजेशन स्टार्ट विद एन इनिशियल गेस फॉर द पैरामीटर, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है. सो इनिशियलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, इनिशियलाइजेशन के अंदर हमें स्टार्ट करना होता है इनिशियल गेस फॉर द पैरामीटर्स, मतलब कि
जो हमारा एक्सपेक्टेशन स्टेप है, इसके पहले हमें क्या करना है, इनिशियल गेसेस मारने हैं कि क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। एज्यूम द ऑब्जर्व डेटा कम फ्रॉम द स्पेसिफिक मॉडल। अब हमें ऑब्जर्व डेटा को एक स्पेसिफिक मॉडल से आ रहा है ये एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ई स्टेप क्या होता है, एस्टिमेट मिसिंग डेटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पैरामीटर्स के लिए एक इनिशियल गेस की इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। फिर क्या किया, हमने एज्यूम किया कि जो भी ऑब्जर्व डेटा है वो हमारा स्पेसिफिक मॉडल का है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ई स्टेप किया, ई स्टेप के अंदर हमने मिसिंग डेटा को एक्सपेक्ट किया। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स एज्यूम हुए वहां पे क्या क्या मिसिंग डेटा है हमारा, उसको एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। अब वो एक्सपेक्ट हो गया या एस्टिमेट हो गया, फिर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज फॉर द हिडन वेरिएबल्स। अब हिडन वेरिएबल्स के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली गई, यानी ई स्टेप यहाँ पे हो चुका हमारा। मिसिंग डेटा को हमने क्या किया, एस्टिमेट कर लिया, हिडन वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। इसके बाद आएगा मैक्सिमाइजेशन स्टेप, जिसके अंदर क्या होता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। मैक्सिमाइजेशन के स्टेप अंदर क्या होता है, इस मिसिंग डेटा को पैरामीटर के साथ ट्यून किया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे पैरामीटर्स अपडेट होंगे वैसे वैसे इस मिसिंग डेटा का जो एस्टिमेशन यहाँ पे लिया गया है ई स्टेप के अंदर, इसको भी अपडेट किया जाएगा और ज्यादा कंपेटिबल बनाया जाएगा हमारे पैरामीटर्स के साथ, ठीक है, कि ज्यादा बेटर ये फिट हो सके हमारे अपडेटेड पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। फिर अगर कन्वर्ज हो जाता है तो फिर हमारा स्टॉप हो जाएगी कंडीशन और यहीं पे हमारा काम हो जाएगा ये एल्गोरिदम का। अगर कन्वर्ज नहीं होता है तो वापस से ई स्टेप पे आ जाएंगे, फिर से जो नए मिसिंग डेटा है उनको एक्सपेक्ट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, फिर से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हिडन वेरिएबल्स की और फिर जाएंगे मैक्सिमाइजेशन स्टेप पे। वही चीज इधर लिखी भी हुई है, अपडेट द पैरामीटर्स टू बेटर फिट द एस्टिमेटेड डेटा। हमें पैरामीटर्स को अपडेट करना है ताकि जो हमारा एस्टिमेटेड डेटा है वो अच्छे से फिट हो सके उस पैरामीटर के साथ। सॉल्व फॉर बेस्ट पैरामीटर्स टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड। अब हमें बेस्ट पैरामीटर्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को ताकि जो हमारा लाइक्लीहुड है वो मैक्सिमाइज हो सके। कन्वर्जेंस चेक इफ एनी चेंजेस इन लाइक्लीहुड और पैरामीटर्स आर स्मॉल इनफ। मतलब पैरामीटर्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए, इतने मिनिमम होने चाहिए कि वो हमारे फिट हो सके मॉडल के अंदर, ठीक है। अगर जो भी चेंजेस हैं हमारे लाइक्लीहुड के अंदर या पैरामीटर के अंदर वो मिनिमल चेंजेस होने चाहिए। ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइड चेंजेस होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ प्रॉपरली मॉडल के साथ कंपेटिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से मिनिमल चेंजेस देखे जाते हैं। इफ चेंजेस आर स्मॉल स्टॉप। अगर चेंजेस स्मॉल है, ठीक है, कन्वर्जेंस हो गया, चेंजेस स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन रुक जाएगी। अगर चेंजेस बहुत ज्यादा वास्ट है, यानी कि प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, फिट नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में वापस से ई स्टेप पे जाना है, एम स्टेप पे जाना है, जब तक हमारे चेंजेस मिनिमल नहीं हो जाते। तो यही काम होता है कन्वर्जेंस का। सो आई होप ईएम एल्गोरिदम भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, बायसियन बिलीफ नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो डेटा एनालिटिक्स का एग्जाम हुआ है हम लोगों का, ठीक है, उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि बायसियन बिलीफ नेटवर्क्स होते क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज बायसियन नेटवर्क्स, अ ग्राफिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप्स अमंग द सेट ऑफ वेरिएबल्स। सो बायसियन बिलीफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये ग्राफिकल मॉडल होते हैं जो कि बताते हैं किस तरीके से अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट है एक दूसरे से, या किस तरीके से उनके बीच में डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंसीज कैसे काम कर रही हैं वेरिएबल्स के बीच में, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है हमारा बायसियन बिलीफ नेटवर्क, या बायसियन नेटवर्क भी बोला जाता है इसको, ठीक है। दे यूज अ डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ DAG वेयर नोड्स रिप्रेजेंट वेरिएबल्स एंड एजेस रिप्रेजेंट कंडीशनल डिपेंडेंसीज। ये डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ का यूज करते हैं। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ का मतलब ग्राफ साइक्लिक नहीं होना चाहिए, मतलब ग्राफ के अंदर साइकिल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, लूप कोई नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज, डायरेक्टेड होना चाहिए, यानी कि सिंपल लाइन से अटैच नहीं होगा, एरोस से अटैच होगा, ठीक है। वेयर नोट्स रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, जहाँ पे जो हमारे नोट्स होते हैं वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये हमारा एसाइक्लिक ग्राफ है, यहाँ पे कोई भी लूप फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, एरोस के फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्टेड है, यहाँ पे इधर से इधर डायरेक्शन, इधर से इधर डायरेक्शन, नॉन डायरेक्टेड नहीं है, मतलब सिंगल लाइन से ज्वाइंट नहीं है। तो ये DAG ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो नोट्स है हमारे, ये वेरिएबल्स हैं, और जो ये एजेस है ना, ये हमारी कंडीशनल डिपेंडेंसीज दिखाती हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट, नोट्स एजेस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। होता क्या है, नोट्स रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल्स विच कैन बी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, लेटेंट वेरिएबल और हाइपोथेसिस। अब ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, जो नोट्स हैं हमारे, ये क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, लेटेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हो सकती हैं, या फिर किसी तरह की हाइपोथेसिस हो सकती हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया जनरलाइज, जो कि ज्यादातर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में,
बट आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एजेस क्या है? डायरेक्टेड एजेस एरोज रिप्रेजेंट कंडीशनल डिपेंडेंसीज बिटवीन द वेरिएबल्स। अब ये एजेस दिखाती हैं कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंकलर रेन पे डिपेंडेंट है, अगर बारिश हुई तो स्प्रिंकलर नहीं चलेगा, बट अगर बारिश नहीं हुई तो स्प्रिंकलर चलेगा। स्प्रिंकलर चलेगा तो ग्रास जो है वो गीली हो जाएगी, ठीक है। अगर स्प्रिंकलर नहीं चलेगा तो बारिश होगी तब ग्रास गीली होगी, ठीक। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे भी डिपेंडेंट है। रेन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, रेन भाई राजा है, वो अपने मर्जी से, मन होगा बारिश होगी, नहीं मन होगा नहीं होगी, उसकी मर्जी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? ईच नोड हैज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरेंट नोड दैट क्वांटिफाइज द इफेक्ट ऑफ द पेरेंट नोड। सो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फंडा, सिंपल सा मतलब यही है कि जिस नोड की भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है उसके पेरेंट के बेसिस पे, ठीक है, उसके पेरेंट के बेसिस पे ये चीज चेक की जाती है कि क्या उसका पेरेंट किसी तरीके से उसको इफेक्ट कर रहा है। अगर इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस पे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। सिंपल है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज डिफाइंड एज येस और नो, बिकॉज रेन इज इंडिविजुअल क्वांटिटी और वो अपना डिफाइन कर सकता है डेटा, आइदर बारिश होगी आइदर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर पर रेन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर विद रिस्पेक्ट टू रेन, मतलब कि रेन होने पे स्प्रिंकलर के वाटर रिलीज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रास वेट ऑन रेन एंड स्प्रिंकलर, मतलब रेन होने या ना होने, स्प्रिंकलर ओपन होने या फिर क्लोज होने पे ग्रास के वेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीज इससे डिफाइन होती है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपसे मैं पूछूं रैंडम क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा अगर आप गलत हो गए तो, अगर आप सही हो गए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज जीरो, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर इज ऑल्सो जीरो, दोनों की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो उस केस में ग्रास के वेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। बिना गूगल करे बस नॉर्मल अपना दिमाग लगाना और बताना कि क्या हो सकती है ग्रास वेट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एक चीज और मैं स्पेसिफाई कर दूं, स्पेसिफिक इन दोनों कंडीशंस को लेके मत चलना, हो सकता है ग्रास वेट होने की और कोई आइदर प्रोबेबिलिटी हो, जैसे कि मैं जाके एक बाल्टी पानी डाल दूं ग्रास में, ठीक है, तब भी वो गीली हो जाएगी। हाँ, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो और कोई तीसरी यहाँ पे कंडीशन नहीं गिवन है, बट स्टिल आप ये मान के चलो कि इसकी और गीला होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉपर वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। इसके बारे में भी हम लोग डेटा एनालिटिक्स में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं कि होता क्या है SVM हमारा। दीज आर सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये सुपरवाइज लर्निंग मॉडल होते हैं जिनका यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन के लिए। डिफाइन द ऑप्टिमल बाउंड्री हाइपर प्लेन दैट बेस्ट सेपरेट्स डिफरेंट क्लासेस। तो हाइपर प्लेन का काम क्या होता है? ये दो क्लासेस को प्रॉपरली सेपरेट करती है, ठीक है। अब हाइपर प्लेन को फाइंड करने, इस ऑप्टिमल बाउंड्री को फाइंड करने का काम किसका होता है? SVM का, यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन का। अब सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो ये होता है डायग्राम, ठीक है, ये ग्राफ जरूर याद रखना, बढ़िया बड़ा बड़ा सा बना के आना एग्जाम में, ठीक है। इस साइड जो है वो हमारे सर्कुलर डेटा है, ठीक है, इस साइड जो है हमारा वो स्क्वायर डेटा है, ठीक, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब ये सर्कुलर डेटा, ये स्क्वायर डेटा, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे हाइपर प्लेन के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, सबसे ज्यादा पास होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे सपोर्ट वेक्टर्स, वो हाइपर प्लेन को सपोर्ट करते हैं, ठीक। मार्जिन क्या होती है? हमारी हाइपर प्लेन और सबसे नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो मतलब गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं मार्जिन। डॉटेड जितना एरिया दिख रहा है ये आपको, ये मार्जिन है, ठीक है। हाइपर प्लेन क्या होता है? ये जो मिडल में आपको एक ऑप्टिमल बाउंड्री दिख रही है जो दोनों क्लासेस को सेपरेट कर रही है, ये है हमारी हाइपर प्लेन, ठीक है। सो आई होप SVM का आर्किटेक्चर, यानी कि ये डायग्राम जो ग्राफ है बेसिकली, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है? हाइपर प्लेन, ठीक है, हाइपर प्लेन क्या होती है? फ्लैट बाउंड्री डेट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस। हाइपर प्लेन हमारी फ्लैट बाउंड्री होती है जो अलग अलग क्लासेस को सेपरेट करती है। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, SVM का ही कॉन्सेप्ट है। बेस्ट फिट लाइन की बात यहाँ पे हम लोगों ने नहीं करी है, बट मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट फिट लाइन होती क्या है। बेस्ट फिट लाइन का सिंपल सा मतलब है, अगर देखो फॉर एन एग्जाम्पल, ये मानो अगर मुझे यहाँ पे हाइपर प्लेन बना के इन दोनों को, यानी कि ये वाला जो हमारा क्लस्टर है सर्कल वाला और ये क्लस्टर है जो स्क्वायर वाला, इन दोनों को हमें सेपरेट करना हो, हम एक ऐसे सीधी लाइन यहाँ से खींच देते तभी भी सेपरेट हो जाता, ठीक है, सेपरेट तो तभी भी हो जाता, बट वो बेस्ट फिट लाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती?
क्योंकि वहां पे मार्जिन इक्वल नहीं होता दोनों साइड। तो बेस्ट फिट लाइन की सिंपल सी वन लाइन में अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बेस्ट फिट लाइन एक ऐसा हाइपर प्लेन होता है या एक ऐसी ऑप्टिमल बाउंड्री होती है जिसमें मार्जिन जो सपोर्ट वेक्टर और हाइपर प्लेन के बीच में हो दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए। ठीक, अगर इस साइड की मार्जिन और इस साइड की मार्जिन इक्वल है तो वो बेस्ट फिट लाइन है, अदरवाइज वो बेस्ट फिट लाइन नहीं है, वो हाइपर प्लेन हो सकती है, ऑप्टिमल बाउंड्री हो सकती है जो दो क्लासेस को डिफाइन कर रही हो, दो क्लासेस को सेपरेट कर रही हो, बट वो बेस्ट फिट लाइन उस केस में नहीं होगी। ये जो हमारी आपको दिख रही है ये बेस्ट फिट लाइन है क्योंकि दोनों साइड की मार्जिन इक्वल है। ठीक है, समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट वेक्टर्स डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन दैट डिफाइन द मार्जिन, ऐसे डेटा पॉइंट जो हाइपर प्लेन के क्लोज हों और मार्जिन को डिफाइन करें उनको बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, मार्जिन द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर। मार्जिन क्या होती है, हाइपर प्लेन और सपोर्ट वेक्टर्स जो भी नियरेस्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, SVM aims for maximizing this margin for better separation. अब देखो जितनी ज्यादा मार्जिन होगी ठीक है उतना बेटर और उतना क्लियर सेपरेशन होगा। ठीक, अब अगर यही मार्जिन जो इतनी चौड़ी आपको दिख रही है यही चीज को हम स्प्रेड कर दें, इतना कर दें, तो हमारे स्क्वायर वाले इधर सर्कल वाले इधर, तो कितना ज्यादा सेपरेशन आ गया, बहुत ज्यादा सेपरेशन आ गया। उसी तरीके से जितना ज्यादा मार्जिन होगी उतना बेटर सेपरेशन होता है। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन अगर आप पढ़ोगे तो एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो होते हैं कर्नल मेथड्स, क्योंकि SVM के अंदर कर्नल मेथड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अलाउ SVM टू हैंडल नॉन लीनियर डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू हाई डायमेंशन स्पेस विदाउट कंप्यूटिंग द कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि अब यहाँ पे तो लीनियर डेटा है हमारा, ठीक है यहाँ पे सर्कल है यहाँ पे स्क्वायर है, तो लीनियर डेटा में आपने बना दिया हाइपर प्लेन, बन गई मार्जिन, हो गया सेपरेशन। ठीक है, बट जहां पे नॉन लीनियर डेटा होता है उन नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के लिए SVM को कर्नल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, पहली चीज। अब नॉन लीनियर का मतलब सिर्फ नॉन लीनियर पे कर्नल मेथड काम नहीं करते, कर्नल मेथड लीनियर पे भी काम करते हैं, बट स्पेसिफिकली नॉन लीनियर के लिए ही यूज किया जाता है कर्नल मेथड्स को SVM के अंदर। ठीक है, ये डिफाइन करते हैं नॉन लीनियर डेटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू हाई डायमेंशन स्पेस। मतलब कि जो हमारे नॉन लीनियर डेटा होते हैं उनको हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, जिससे कि उनका सेपरेशन करना काफी ज्यादा इजी हो जाए SVM के लिए। ठीक है, तो ये काम कौन करके देता है, कर्नल मेथड। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो चार स्पेसिफिक टाइप्स है कर्नल मेथड के लिए, लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, RBF यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल और सिग्मोइड कर्नल। लीनियर कर्नल क्या करता है, ये हमारा लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए यूज होता है। पॉलिनोमियल कर्नल, पॉलिनोमियल रिलेशनशिप्स होती है जिन डेटा के बीच में, वहां पे सेपरेशन परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। ठीक है, RBF यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल क्या होता है, ये नॉन लीनियर डेटा के लिए सबसे सही कर्नल होता है, इसको हम लोग गॉसियन कर्नल भी बोलते हैं। याद रखना, अगर एग्जाम में दो नंबर में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन कर्नल, तो RBF कर्नल जो है हमारा, जो कि नॉन लीनियर डेटा के लिए यूज होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, और बाकी सारे कर्नल मेथड में नॉन लीनियर डेटा के लिए सबसे बेस्ट सूटेड होता है RBF कर्नल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिग्मोइड कर्नल, सिमिलर टू एक्टिवेशन फंक्शन एंड यूजफुल फॉर नॉन लीनियर डेटा। जैसे कि हमारा न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन का काम होता है, सेम उसी तरीके से सिग्मोइड कर्नल का काम होता है SVM के अंदर नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई SVM की। आई होप हर चीज इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब आपका रिवाइज हो गया होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन लाइक द वीडियो एंड प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर कोई न्यूमेरिकल इन केस आया होगा PYQ में, मैं करवाऊंगा तो प्लेलिस्ट के अंदर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।